हरियाणा में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लेकिन इस वक्त हरियाणा की राजनीति में जो गठबंधनों का दौर चल रहा है उससे ये साफ है कि कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जेजेपी समेत सभी दल इस बार राज्य के दलित वोटरों को अपने पाले में खिसकाने की जुगत में है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि हरियाणा में दलित वोटर इतने अहम क्यों माने जाते हैं। बता दें, राज्य में करीब 30% जाट वोटर है। इसके बाद जिस आबादी के वोटर प्रदेश में सबसे अधिक हैं, वो है दलित आबादी। सूबे में दलित वोटरों की संख्या 21% है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इतना ही नहीं, राज्य की 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जो दलित बहुल है। तो ऐसे में इस बार जिस तरह से दलित वोटरों पर सभी दलों की निगाहें हैं, उसके चलते दलित वोटों की सियासी अहमियत को समझा जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनावों में इन एससी सीटों पर कांग्रेस ने 17 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बात करें बीजेपी की, तो उसने 5 जबकि 4 सीटें जेजेपी ने जीती थी। यानी दलित वोट बैंक पर कांग्रेस सेंध मारने में कामयाब हुई थी। इतना ही नहीं, हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में दलित जाट वोटों के दम पर ही कांग्रेस हरियाणा की 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनावों में जिस तरह से संविधान और आरक्षण बचाने का हल्ला किया, उसी से दलित मतदाताओं का विश्वास कांग्रेस की ओर मुड़ा और पार्टी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। ऐसे में अब क्या बीजेपी दलितों को जोड़ पाएगी? लोकसभा चुनावों में दलित वोट बैंक के खिसकने के कारण बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, उसे अपनी हॉट सीट अंबाला और सिरसा कांग्रेस के हाथों गंवानी पड़ी थी। दलित वोट बैंक के छिटकने से बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में इस बार बीजेपी एक बार फिर दलित समाज को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए पार्टी दलित समुदाय से सीधे संपर्क बनाने के साथ साथ उनके लिए बड़ी घोषणाएं भी कर रही है। इतना ही नहीं, पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाने की भी तैयारी में जुटी हुई है। इसके अलावा अभय चौटाला की इनेलो का मायावती के साथ हाथ मिलाना हो या जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का आसपा नेता चंद्रशेखर के साथ मिलकर चुनाव लड़ना हो, ये साफ तौर पर बता रहा है कि इस बार सभी राजनीतिक दल दलित वोटरों को लुभाने की जुगत में जुट गए हैं। बहरहाल ये तो विधानसभा चुनावों के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस बार दलित वोटरों को अपने पाले में खिसकाने में किसे सफलता मिलती है।